हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर का फुल समरी करेंगे। एक रात महेंद्र अपनी नींद से जाग जाता है और एक अंधेरी धुंधली आकृति देखता है। उसे पसीना आ जाता है। यह क्या था? क्या यह भूत था? महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ सुपरवाइजर था। कंपनी सुपरवाइजरों को बिल्डिंग स्थल, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने के लिए देती थी। महेंद्र की नौकरी कार्यस्थल के क्रियाकलापों पर नज़र रखने की थी। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। वह कुंवारा था। वह अपने आप को सारे हालातों में ढाल लेता था। महेंद्र का ईश्वरन नाम का एक रसोइया था। ईश्वरन के अंदर आश्चर्यचकित करने वाली योग्यता थी। वह सब्जियों और पकाने की वस्तुओं को ना जाने कहां से उपलब्ध कर लेता था। वह एक या अधिक घंटे में जादुई रूप से ताज़ा सब्जियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था। महेंद्र कुछ खाने के साथ सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। महेंद्र के चले जाने के बाद ईश्वरन छप्पड़ को संवारता था। वह कपड़े धोता था। प्रार्थना करते हुए वह स्नान करता था। दोपहर के खाने के बाद सुस्ताने के लिए वह तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता था। उसका कहानी कहने का अद्भुत तरीका था। उसकी कहानियों में सनसनीखेज पुस्तक का प्रभाव था। ईश्वरन का छोटी से छोटी घटना का वर्णन करने का अद्भुत तरीका था। वह रहस्यमय कहानी को कहता। वह इसमें अद्भुत अंत डाल देता। यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत कल्पनाशील था, यानी इमेजिनेटिव था। महेंद्र उसे बिना किसी आलोचना के सुनता। महेंद्र के जीवन में टीवी की कमी को वह अपने अभिनय से पूरा करता था। एक दिन ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी सुनाई। एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। यह इधर उधर घूमता रहा। इसने बेले उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन कहानी से इतना प्रभावित हो गया कि वह यहाँ वहाँ उछलने लग गया। हाथी कस्बे में पहुँच गया। इसने फलों की सारी दुकानों को तोड़ दिया। व्यक्ति इधर उधर दौड़े। विद्यार्थियों ने अपने आप को क्लासरूम में छिपा लिया। गलियाँ खाली हो गई। उस समय ईश्वरन छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। उसने नहीं जाना कि उसे क्या हो गया था। उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लग गया। हाथी ने चिंगार मारी और अपने पैर पटके। व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया था। तब ईश्वरन ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। यह सिर से पैर तक कांपा और नीचे गिर गया। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। दो दिन के बाद हाथी को महावत द्वारा ले जाया गया। ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने बताया कि उसने इसे जापानी कला, कराटे या जुजित्सु आदि द्वारा किया। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को उस जगह के बारे में कुछ बताया। वह फैक्ट्री का स्थान एक समय कब्रिस्तान था। उसके सामने एक बार रास्ते में पड़ी मानव खोपड़ी आई। रात को उसने भूत भी देखे। उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह बहादुर था। परंतु एक महिला का भयानक भूत सामने आया। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा सूखा था। वह कुरूप थी। इसके हाथों में एक भ्रूण यानी फीटस था। ईश्वरन को सुनकर महेंद्र कांप गया। उसने ईश्वरन को पागल या सनकी कहा। उसने उसे बताया कि भूत नहीं होते, ये मन की उपज होते हैं। उसने ईश्वरन को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। महेंद्र फिर सोने चला गया। उस समय से महेंद्र को हर रात बेचैनी होती रही। हर एक रात वह यह देखने के लिए कि कोई गति तो नहीं है, अंधेरे में घूर कर देखता। पूर्ण चांदनी रातों को वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था। परंतु ईश्वरन की कहानी के पश्चात वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था। एक रात महेंद्र को उसकी नींद से
एक कराहट ने जगा दिया। यह उसकी खिड़की के समीप थी। उसने स्वयं को बाहर देखने से रोका, परंतु रोने की आवाज़ ऊंची हो गई। उसने बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली आकृति देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था। उसको पसीने आ गए और वह हाँफने लगा। बाद में उसने सोचा कि यह उसके अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड की कोई चाल हो सकती है। अगली सुबह महेंद्र दफ्तर जाने के लिए तैयार था। रात का भय कम हो गया था, परंतु ईश्वरन उसके पास आया। उसने उसे भूत के बारे में बताया। उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात कराहट सुनी थी। उसने उसे यानी महेंद्र को भूत को देखते हुए देखा। महेंद्र के शरीर में ठंडा करंट सा दौड़ गया। वह अगली सुबह दफ्तर गया। उसने अपने कागज़ प्रस्तुत कर दिए। उसने अगले दिन ही उस भूतहा स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि भय से कोई मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भूत और आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन इस सत्य को खुले रूप में जाहिर करने से हिचकिचाहट अनुभव करता है। यदि हमारे हृदय में डर है, तो हमें इस डर के उचित कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए। डर में गलत फैसला लेने की संभावना बनी रहती है और हमारा जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। अतः सभी परिस्थितियों में हम लोगों को निडर बनना है, ताकि हम उचित फैसला ले सकें। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।